अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह वेडिंग हॉल में जो फ़ोटो हम खींचते हैं उनको एडिट किस तरह किया जाता है। चलिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं। आज हम इस फोटो को एडिट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम स्किन स्मूथ करेंगे और कलर ग्रेडिंग वगैरह करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रोल जे प्रेस करके आपने डुप्लीकेट लेनी है। उसके बाद आपने ब्रश सेलेक्ट करना है, मिक्सर ब्रश टूल जो आप। उसके बाद आपने फ़ोटो को जूम करना है और जिस तरह ये मेरी सेटिंग है इस तरह आपने सेटिंग रखनी है। और उसके बाद आपने इस तरह फेस पर आपने फेर लेना ब्रश को। मैं जल्दी जल्दी से फेर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह फेरना है इसको और स्किन स्मूथ कर लेनी है। दोस्तों मैंने ब्रश को ऊपर फेर लिया है और इसी तरह से आपने भी अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है और आपने अपनी स्किन स्मूथ कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए जिस तरह मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ उसी तरह आपने सेटिंग करनी है, एक्सपोजर वगैरह और कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स वगैरह की। और उसके बाद वही सैचुरेशन वगैरह यहाँ पर हमने सेटिंग करनी है, जो कलर इस पर अप्लाई करना हमने रेड ऑरेंज और सभी कलर को हम छेड़ छोड़ लेंगे जिस तरह पे वो करना हो। उसके बाद हमने ये सैचुरेशन की सेटिंग कर लेनी है, सबको हमने अपने मुताबिक करना है कि कितनी इनकी सैचुरेशन बढ़ानी है या कम करनी है। दोस्तों हमारी सेटिंग हो गई, उसके बाद हमने इसको ओके कर देना और कैमरा रॉ फिल्टर्स को अप्लाई कर रहा है फ़ोटो पर। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस तरह के ट्यूटोरियल मिलेंगे इस हमारे चैनल पर फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की मतलब। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कुछ टैक्स अप्लाई कर लेंगे या जो PNG वगैरह होती है ना वो उसको अप्लाई करेंगे। और उससे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करके दोबारा इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे। और यहाँ से कोई टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ। सही सर, मुझे ये टेक्स्ट सही लगा और मैं इसी को इस फोटो पर अप्लाई करूँगा। देखिए इसको फोटो पर पेस्ट कर देना है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका मोड को चेंज कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हम लेवल्स पर जाएंगे और जो एरो का ये ऑप्शन है इसको क्लिक करके कर देंगे और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे।
ये देखें इस तरह से, और उसके बाद ये वाइट है, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा इसलिए हम इसको ब्लैक कर देंगे। देख लेते हैं यहाँ पर सीक्वेंस जिस पर ब्लैक हो, ये देखें। उसके बाद हम पी दबा कर भी इस टूल को सेलेक्ट करके और ऊपर कर लेंगे इस टेक्स्ट को। आज की वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।